नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, इस लाल वाले बटन तो दबा के, और अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन तो नहीं दबाया तो दबा दीजिए इस घंटे तो, और पाइए हमारी हर वीडियो तो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए लाया हुंडई की तरफ से मिनी हैचबैक ग्रैंड i10। ये कोरियन कार है। ये 2014 में लॉन्च हुई थी और अब 2018 है, 4 साल हो चुके हैं और अभी तक ये एक बार इंडियन कार ऑफ द ईयर भी जीत चुकी है। तो ये दोस्तों 1.2 हुंडई में इस गाड़ी में आपको इंजन मिलता है 1200 cc का CRDI। टॉप मॉडल है हुंडई ग्रैंड i10 आस्टा 1.2 CRDI। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स, फॉग लैम्प्स, और इधर आपको DRLs मिलते हैं सिर्फ टॉप मॉडल में। ये और इधर आपको हुंडई का ब्रांडिंग मिलती है, मतलब एक तरह से लोगो मिलता है। इधर आपको ग्रिल मिलती है, इधर आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, इधर आपको फेंडर मिलता है एयर फ्लो के लिए, ताकि इंजन लॉन्ग ड्राइव पर गर्म ना हो। और दोस्तों, मैं एक बार आपको गाड़ी चलते चलते साइड से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है, इसके जो कंपटीशन में आती है होंडा ब्रियो, मारुति सुजुकी इग्निस और टाटा की टियागो, काफ़ी अच्छी रही है दोस्तों ये अपनी सेगमेंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपको टॉप मॉडल में 14 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स मिलती है हुंडई की तरफ से, और मिडल और बेस में आपको स्टील व्हील्स और अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। जैसे ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड कन्वर्टेबल है। इधर आपको क्रोम में तो नहीं, ये प्लास्टिक में मिलती है स्ट्रिप, अगर क्रोम में देते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इधर आपको क्रोम में हैंडल्स मिलती है और कीलेस एंट्री मिलती है। इधर आपको रूफ रेल मिलती है, मुझे नहीं पता हैचबैक में क्यों लोग रूफ रेल लगवा लेते हैं। ये आपको ये इन्होंने आफ्टर हुंडई की कंपनी से आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, ये मतलब आते नहीं स्टॉक में। ऊपर आपको एंटीना मिलता है, इधर आपको स्पॉयलर मिलता है, स्पॉयलर भी आपको लगाना ही पड़ेगा या फिर ये लगा हुआ आता है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। जैसे ही आप देख सकते हैं, ये टॉप मॉडल है आस्टा, उसकी आपको बैजिंग मिलती है 1.2 डीजल इंजन की बैजिंग मिलती है। ये 200 जो डीजल इंजन है वो 74 bhp की पावर प्रोड्यूसर था और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में। इधर आपको रियर में वाइपर मिलता है, डीप फॉगर मिलता है, सेफ्टी वाइज इसमें ABS मिलता है और 2 एयरबैग्स मिलते हैं। ये जैसे कि इससे रियर के टेल लैम्प्स है, नीचे इधर आपको फॉग लैम्प मिलता है। इधर इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक इधर और एक इधर, टोटल 4 पार्किंग सेंसर आपको एक हैचबैक में मिलते हैं, जो अच्छी बात है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर रियर बम्पर बॉडी कलर नहीं है, ना टॉप मॉडल में भी नहीं और लोअर मॉडल में भी नहीं। एक बार मैं आपको इसे एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ, ये इसे एग्जॉस्ट है। अगर आप इसे बाहर आफ्टर मार्केट मॉडिफाई कराए और इसे एग्जॉस्ट और अच्छा करवा सकते तो एक तरह से स्पोर्ट्स कार हो जाती है। एक बार मैं आपको इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ। जो इसका बूट है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली टेल गेट है। इधर आपको 256 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। इधर आपको टूल किट मिलती है, इधर नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है, स्टील स्पेयर व्हील। दोस्तों, अगर जैसे मान लो अगर आपको स्पेस इंक्रीज करनी है तो आप ये ट्रे भी हटा सकते हैं, और अगर और इंक्रीज करनी है, जैसे आप एयरपोर्ट पे लगेज आपको लेके जाना है, तो आप वो सीट्स भी पूरी, रियर सीट्स पूरी फोल्ड हो जाएगी। इधर आपको पीछे बूट लैंप मिलता है हेलोजन, और इधर आपको मुझे नहीं पता हुंडई ने इधर क्यों फर्स्ट एड किट रखी हुई, जबकि ये ग्लव बॉक्स में आनी चाहिए। और एक बड़ा अच्छा फीचर है जो और इसी गाड़ी में, जैसे जिनकी हाइट छोटी है वो इसको पकड़ के टेल गेट बंद कर सकते हैं। और इस बंद करने से पहले इधर मैं दिखा देता हूँ, ऐसा रिवर्स कैमरा है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसी रियर सीट्स पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका रियर डोर प्रोफाइल है। इधर आपको क्रोम में हैंडल मिलता है, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स है। इधर आपको 1 लीटर बोतल रखने की जगह मिलती है और कुछ और भी आप रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़। इधर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स होते हैं। और जो इधर आपको कोई स्टफ प्लेट्स नहीं मिलती, एक बार मैं आपको इसे सीट्स दिखा देता हूँ। ये फैब्रिक सीट्स है हुंडई देते हैं, विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड 1 आर्मरेस्ट। अब हम इससे अंदर बैठते रहते हैं, कंफर्टेबल है या नहीं। दोस्तों, हम इसी रियर सीट पे आ चुके हैं। जो लेग स्पेस है वो ना काफ़ी ज़्यादा है ना काफ़ी कम है, ठीक ठीक है। लंबे बंदे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इधर आपको रियर में 2 AC वेंट्स मिलते हैं और इसे आप एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको एक पावर आउटलेट मिलता है 12 V का,
और इधर जो हम्प है वो काफ़ी लो है, तो तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और दोस्तों इसका जो आमरेस, इस गाड़ी में आपको एमरेस नहीं मिलता, मुझे माफ़ कर दो इस बात के लिए कि मैंने आपको बोला, तो मैं एक बार मैं आपको इसका रियर से फ्रंट का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर रियर से फ्रंट का डैशबोर्ड है, काफ़ी ठीक मतलब ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत i20 से, इससे थोड़ी बहुत चीज़ें i20 से कॉपी हुई हुई है। अब हम चलते हैं इसी फ्रंट सीट्स पे। यहाँ पे कीलेस एंट्री हुंडई प्रोवाइड कराती है। ये इसका ड्राइवर साइड डोर प्रोफाइल है। इधर आपको ऑटोमेटिक वन टच डाउन विंडो मिलती है सिर्फ ड्राइवर के लिए, बाकी सारी आपको वन टच नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक है पर वन टच नहीं। इधर आपको ORVM से कंट्रोल्स मिलते हैं, इससे आपके ORVM बंद हो सकते हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको क्रोम की फिनिश में हैंडल मिलता है। इधर आपको वन लीटर बोतल इधर आप रख सकते हैं, बोतल होल्डर मिलता है, 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं और थोड़ा बहुत और सामान। इधर आपको फोन होल्डर या फिर आपको उस पॉइंट्स या पार्किंग की रिसिप्ट इधर रख सकते हैं। इधर आपको स्पीकर मिलता है। इससे जो सीट है दोस्तों वो मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकली नहीं है, तो इस एरेंजमेंट में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। अब हम इसे अंदर चल के देखते हैं इसे इंटीरियर्स। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे स्टेयरिंग है, इसमें आपको फ्रंट में 2 एयरबैग्स मिलते हैं, ऐसे 12 कंट्रोल्स है। इधर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिलते हैं और स्टीरियो के, और इधर आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है उसके, और वो जो आप उधर MID डिस्प्ले के, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसे इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इधर आपको ये टच स्क्रीन है 8 इंच, ये आपको इधर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और मिरर लिंक नहीं मिलता इसमें आता, पर इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, और रेडियो का मिरर लिंक भी है दोस्तों। ये आपको थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर आपको पार्किंग इंडिकेटर मिलता है, इधर आपको और भी बड़े सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, कौन सा ट्रैक आपको सेट करना है रेडियो के, फ़ोन के, इससे आप ये ऑन कर सकते हैं ये आपके वॉल्यूम के लिए। इधर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनर मिलता है। इधर आपको ऑट्स और USB सॉकेट्स मिलते हैं और 12V का पावर आउटलेट मिलता है। इधर आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है वो अपने मोबाइल वगैरह रखने के लिए। ये 205 स्पीड मैनुअल लेदरेट गियर बॉक्स है और ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एक बात है जो हुंडई ने जर्मन के से कॉपी किया वो रिवर्स, तो जर्मन सा भी रिवर्स इस साइड पे होता है और हुंडई का भी इसी साइड पे है। इधर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, ये इसी हैंड ब्रेक है। इधर आपको कॉइन्स या फिर मोबाइल रखने की जगह मिलती है। इधर आप इसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, और जो इसका जो इधर आपको रीडिंग लाइट मिलती है हैलोजन्स, इधर ये इसका ORVM से ये आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है। और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ सनशेड मिलता है, और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है पर विदाउट लाइट्स। तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पीछे 2, 7 एयरबैंड्स मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है हैचबैक के लिए। तो चलिए दोस्तों एक बार हम चलते हैं इसके फ्रंट पे। फ्रंट पे जाने से दोस्तों मैं पहले बता दूँ, इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री मिलेगी और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, ABS मिलेगा, ABD मिलेगा। ये सर 200 स्पीडोमीटर है, इधर ही आपको RPM मीटर मिलता है, उधर आपको फ्यूल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इधर आपको MID डिस्प्ले की कितनी किलोमीटर चली है या ट्रिप है, ट्रिप भी इसी टॉप स्पीड हुंडई 200 किलोमीटर पर आवर क्लेम करती है, और ये जाएगी अराउंड 160 या 170 तक। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पे एक बार दोबारा। खत्म होने से पहले मैं आपको एक बार इसी की दिखा देता हूँ। ग्रैंड i10 में आपको टॉप मॉडल में हुंडई स्मार्ट की प्रोवाइड करती है। इधर आपको पीछे हुंडई का लोगो मिलता है, फ्रंट में आपको 3 बटन्स मिलती है, लॉक, अनलॉक और बूट खोलने के लिए। और इसमें अगर बाई चांस आपकी कार की बैटरी कम है तो आप इसमें मैनुअल वे की खुल सकती है, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों हमारी यह वीडियो यहाँ पे ही खत्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कमेंट्स में बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी, और अगली कौन सी गाड़ी में वीडियो